हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी। वेलकम टू शिव क्लासेस। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक न्यूमेरिकल जिसमें आपको क्या दे रखा है, इंडस्ट्री से रिलेटेड है। एक डोमिनेंट फर्म है जिसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, जीरो है। ये ध्यान रखना है आपको, यहाँ प्रोडक्शन कॉस्ट जो दे रखी है वो जीरो है। मीन्स जो कॉस्ट है, हम टोटल कॉस्ट माने, वो हमें क्या दे रखी है, जीरो। 50 कॉम्पिटेटिव फर्म्स हैं उसके अंदर, एक डोमिनेंट है और बाकी क्या है, कॉम्पिटेटिव फर्म्स है। तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है, परफेक्ट कॉम्पिटिशन की बात हो रही है, ठीक है। मोनोपोली होता तो वहाँ तो भाई एक ही फर्म होगी, तो यहाँ इंडस्ट्री बात हो रही है, इंडस्ट्री। और फिर उसमें इंडस्ट्री किसका ग्रुप होता है, ग्रुप्स ऑफ फर्म्स को ही हम इंडस्ट्री कहते हैं। तो यहाँ पर जो कॉस्ट फंक्शन दे रखा है वो हमें क्या दे रखा है, प्रोडक्शन कॉस्ट हमें क्या दे रखी थी कि जीरो है, और टोटल कॉस्ट फंक्शन ये दे रखा है हमें। मार्केट डिमांड जो दे रखी है इंडस्ट्री की, वो ये दे रखी है। और हमें डोमिनेंट फर्म का पहले क्या निकालना है, दो पार्ट है इसमें। कैलकुलेट द प्राइस सेट बाय द डोमिनेंट फर्म, तो डोमिनेंट फर्म जो है वो क्या प्राइस सेट करेगी, बाकी सब उसे क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। तो टोटल कॉस्ट हमें दे रखी है, ठीक है। क्यू आई, आई बाई डिनोट करेगा फर्म को, 1 2 3 4 को क्यू का स्क्वायर बाय 2 दे रखा है हमें। तो मार्जिनल कॉस्ट निकालेंगे, टी सी से हम क्या निकालेंगे, मार्जिनल कॉस्ट निकालेंगे। तो 2 पावर के केस में क्या है, एक्स की पावर आ रही है, तो 2x n-1 होता है, मीन्स पावर आगे आ जाती है और पावर में से 1 माइनस कर देते हैं। तो 2 2 q 2 -1, तो कितना आ जाएगा, 2q आ जाएगा। नीचे भी डिनोमिनेटर में भी 2 था, तो 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो हमारा मार्जिनल कॉस्ट कितनी आ गई, क्यू आई, ठीक है। अब इक्विलिब्रियम कंडीशन परफेक्ट कंपटीशन में क्या होती है, जहाँ प्राइस इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट होता है। तो P इक्वल टू एम सी, एम सी की वैल्यू हमारी क्या आई है, क्यू आई आई है, तो हमने उसकी जगह ये पुट कर दिया। इतना क्लियर हुआ। तो ये सप्लाई कर्व है किसका, एक फर्म का। तो अब यहाँ कितनी फर्म्स की बात की गई है, 50 कॉम्पिटेटिव फर्म है। तो 50 कॉम्पिटेटिव फर्म का सप्लाई कर्व क्या होगा भाई, एक का क्या है, पी है, तो बाकी का कितना होगा भाई सप्लाई कर्व, 50 से क्या कर देंगे हम, पी की इनटू कर देंगे। अब यहाँ पे डिमांड कर्व इंडस्ट्री का हमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन में गिवन है क्यू इक्वल टू 1000 -50 P। तो डोमिनेंट फर्म का हम कैसे निकालेंगे भाई, जो सप्लाई है, जो हमें डिमांड कर्व दे रखा है इंडस्ट्री का, उसमें से हम सप्लाई माइनस कर देंगे जो किसकी है, इंडस्ट्री की। हमारे पास किसका फर्म का डिमांड कर्व आ जाएगा, जो डोमिनेंट फर्म है उसका डिमांड कर्व आ जाएगा। तो क्यू डी से हम उसे डिनोट कर रहे हैं, तो 1000 -50 P हमें इंडस्ट्री का डिमांड कर्व दे रखा था, सप्लाई 50 फर्म्स की 50 P आई थी, तो इसमें से हमने ये माइनस कर दिया, 1000 -50 P -50 P, ये माइनस माइनस प्लस हो के 100 P हो गए। 1000 -100 P आ गया हमारा क्या, डिमांड का, किसका, डोमिनेंट फर्म का। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे इन्वर्स डिमांड फंक्शन निकाल लेंगे, डिमांड फंक्शन आ गया। अब हम P के रिस्पेक्ट में निकाल लेंगे, तो क्या करा मैंने यहाँ पे, 100 यहाँ किस में था, माइनस में था, इधर आके प्लस में हो गया, और क्यू डी को उधर माइनस में ले आया। अब ये 100 यहाँ मल्टीप्लाई में, दोनों के यहाँ पे डिनोमिनेटर में किस में आ गया, डिवाइड में आ गया। 100 से 10 इसकी डिवाइड हुई, 1000 की, तो 10 आ गया। क्यू डी की 100 से हुई, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/100 क्यू डी, भाई ऊपर कुछ नहीं है, तो क्या है, 1 से 100 की डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.01 क्यू डी। क्लियर हुआ। तो टोटल रिवेन्यू जो होगा कर्व जो होगा, जो डोमिनेंट फर्म फेस करेगी, टी आर क्या होता है हमारा, पी इंटू क्यू। प्राइस हमने अभी निकाला था, ये आ गया हमारा, ठीक है। क्यू डी भाई क्वांटिटी जो है हमारी, क्वांटिटी हमें नहीं पता, तो उसकी जगह हमने क्या लिख दिया, क्यू डी लिख दिया। मल्टीप्लाई हुई क्यू डी की, 10 से 10 क्यू डी आ गया, 0.01 इंटू क्यू डी स्क्वायर हो गया, क्यू डी की क्यू डी से इंटू हुई स्क्वायर हो गया। अब टी आर से हम क्या निकालेंगे, एम आर निकाल लेंगे। तो एम आर हमने निकाल लिया यहाँ पे, तो एम आर हमारा क्या हो गया भाई, टी आर का डेरिवेटिव होता है एम आर, तो क्यू डी के रिस्पेक्ट में हम करेंगे, तो क्यू डी वन हो जाएगा, 10 आ गया, यहाँ क्यू डी का स्क्वायर है, तो भाई वही पावर है, पावर क्या आ जाती है, आगे आगे 1 था, 1 से 2 की मल्टीप्लाई हो गई, तो 0.02 आ गया भाई। ये मैंने बहुत सारे आपको डेरिवेटिव करने सिखा दिया, अब तो पावर वाला आपको आ गया होगा। मार्जिनल कॉस्ट जो है डोमिनेंट फर्म की, वो क्या है, जीरो है भाई। हमें टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी दे रखी थी, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट जीरो, तो मार्जिनल कॉस्ट भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ठीक है, डोमिनेंट फर्म की। तो यहाँ डोमिनेंट फर्म का जो मैक्सिमाइज कब होगा, जहाँ पे क्या होगा भाई, डोमिनेंट फर्म की बात कर रहे हैं हम, खाली डोमिनेंट फर्म की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम मोनोपोली के बारे में बात करेंगे। तो एम आर इक्वल टू एम सी हो जाएगा, तो एम आर इतना आया था इसका, और एम सी कितना है, जीरो, क्योंकि टोटल कॉस्ट क्या दे रखी है, जीरो दे रखी थी वहाँ पे, तो एम सी भी कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो अब हमने क्या करा, ये माइनस में इधर आके प्लस में हो गया,
अब 0.02 यहाँ किस में है, मल्टीप्लाई में क्यू डी के साथ, तो यहाँ आके डिवाइड में हो गया। अब ये डिवाइड में हो गया भाई, नीचे डेसिमल दो के आ गया तो ऊपर दो जीरो लग जाएंगे, 10 ऑलरेडी था, 2 से 1000 कैंसिल हुआ तो कितना आ गया 500 आ गया। सिंपल कैलकुलेशन है, क्वांटिटी आ गई। अब हमें प्राइस निकालना था भाई, हमने पी निकाला था अभी जब डिमांड फंक्शन वर्स डिमांड फंक्शन, तो 10 - 0.01 क्यू डी आया था। क्वांटिटी की वैल्यू हमारी कितनी आई है 500, तो वो हमने यहाँ पुट कर दी। 500 की 0.01 से मल्टीप्लाई हुई 5 आया, तो 10 - 5 हमारा कितना हो गया 5 हो गया। क्लियर हुआ। अब सेकंड पार्ट में हमसे क्या पूछा है, हमें आउटपुट लेवल निकालना है सारी फॉर्म्स का। भाई हमारे पास एक फॉर्म का डोमिनेंट फॉर्म का कितना आया 5 आया, तो जो सप्लाई होगी बाकी फॉर्म्स की वो कितनी होगी, सप्लाई ऑफ ऑल फॉर्म्स 50 × 5 = 250। ठीक है, तो दिस आउटपुट इज इक्वल टू शेयर बाय 50 कॉम्पिटेटिव फॉर्म, द शेयर ऑफ ईच फॉर्म इज 5। तो हर फॉर्म का जो शेयर है वो कितना है 5 है यहाँ पे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।